परिषद के फंड से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको खर्च करने के लिए दिया कि जिले के विकास के लिए ढीलों का फंड खर्च किया जाएगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कहा जाता है। तब हमारा विधायक चितरंगी में नहीं हुआ करता था, हमारे दूसरे विधायक होते थे, कांग्रेस के विधायक होते थे। तब मैंने आवाज रखी थी कि चितरंगी में सबसे पहले रोड होना चाहिए और 100 करोड़ की रोड डीएमएफ के फंड से चितरंगी विधानसभा में दी गई और 60 करोड़ से भी ज्यादा की राशि विद्युतीकरण के लिए हमने अलग की। इस तरह से हर वो सुविधा जो आपका अधिकार है, जो कोई नहीं छीन सकता, आप तक पहुंचना चाहिए। आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। हर चीज जो प्रदेश स्तर की है वो हो सकता है कि वो हो पाना संभव हो या ना हो, क्योंकि सरकार हमारी नहीं रही है। आज आपने देखा कि आवास योजना का लाभ जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमें देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हर एक गरीब के सर पर छत होना चाहिए, पक्का छत होना चाहिए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ की जो सरकार है, जो असफल सरकार है, जिसने 10 महीनों में गरीबों का अधिकार छीनने के अलावा कुछ नहीं किया, उस असफल सरकार ने आवास का पैसा गरीबों तक पहुंचाने के लिए रोक दिया। इस बात को मैं आपको बताने आई हूँ, इस बात की जानकारी आप तक होना चाहिए कि आपके प्रदेश की सरकार के मुखिया आपके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज तक अभी तक 10 महीने तक सरकार बनाने के बाद अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिया। जो हमारी सरकार ने आपके लिए व्यवस्था की थी, उन बातों को भी, उन चीजों को भी, उन अधिकारों को भी आप तक जाने के लिए, पहुंचाने के लिए रोक रहे हैं। आज किसानों के सम्मान निधि जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की उन्होंने बात कही थी, 1,000 बार उन्होंने कमलनाथ जी से कहा कि आप किसानों की सूची, नामों की सूची हमें भेज दीजिए। कमलनाथ जी ने किसानों के नामों की सूची सिर्फ इसलिए नहीं भेजी कि 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों के खातों में नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से पहुंच जाएगा। ये छलावा है, और दुख तब होता है जब अपना ही हमसे छल करता है। इस बात को समझिए। आज इस गांव का युवा यदि आज स्टेडियम की मांग कर सकता है, ऑडिटोरियम की मांग कर सकता है, यहाँ पे आईटीआई कॉलेज की मांग कर सकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग कर सकता है, तो शायद यहाँ के वो वरिष्ठ जिनको हमने माना होगा, उनके माध्यम से ये मांगे बहुत पहले रखी जा सकती थी और इसके लिए प्रयास भी किया जा सकता है। परंतु छलावा जब अपनों से होता है तब कष्ट होता है, तब दुख होता है। इस छलावा से अपनी आंखों को खोल कर रखना है। इसलिए आज जो ये कांग्रेस की सरकार हमारे साथ जो छल कर रही है, आज हमारे लिए पक्के मकान को होने से रोक रही है, घरों में गैस चूल्हा ना पहुंचे इसके लिए प्रयास कर रही है कि वो रुक जाए, आज किसानों के खाते में सम्मान निधि ना पहुंचे, आज कोना कोना बिजली से ना जगमगाए इसके लिए क्या नाम सौभाग्य योजना को बंद कर दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई वो योजना जिसके माध्यम से आपके परिवार में किसी भी सदस्य को जो बीमार होता है, जिसे कैंसर होता है, जिसे फेफड़े में छेद होता है, जिसे किसी भी तरह का ऑपरेशन कराना होता है, 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की है, आज उस कार्ड को चलाने से बंद कर दिया गया है। इस तरह का छलावा आज हमारे साथ किया जा रहा है, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। लेकिन चिंता का विषय नहीं, हम लड़ेंगे। आपका विधायक आपके साथ है, आपने अपना विधायक चुना है, 60,000 वोटों से उन विधायक को आपने जिताया है। शायद आज कोई आवश्यक काम होने से शायद वो आपके पास उपस्थित नहीं हो पाए, और आपकी आज ये सांसद आपके साथ आपके सामने उपस्थित है जिसे आपने 66,000 वोटों से जिताया है, और आपके वोटों की कीमत मैं आपके लिए जरूर चुकाऊंगी। और जितना भी हो सके, चाहे वो लड़ना पड़े, चाहे वो कहीं भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, आपके अधिकार आप तक दिलाकर ही रहेंगे। आज इस सभा में किसी की बुराई करने का मकसद नहीं था, इस सभा में तो सिर्फ इस बात का मकसद था कि आपको अवगत कराएं कि हम आपके साथ, देश के नेतृत्व तो आपके साथ। आज हमारे भारत को मान दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिलाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से व्यवस्थाएं की गरीबों के लिए, इस बजट में जिस तरह से उन्होंने धनराशि निकाली है, उससे ये परिणाम सामने आता है कि उनके मन में
देश के लिए और देश के गरीबों के लिए जो जगह है, जो सोच है, वो कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम सबको उनका साथ देना होगा। अभी अभी पदयात्रा की भी बात हो रही थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेतृत्व ने राजनीतिक दलों से ऊपर हटकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच को, सपनों को साकार करने के लिए पदयात्रा का आरंभ किया। और ये पदयात्रा हर विधानसभा बार चल रही, आपकी चितरंगी में भी ये पदयात्रा निकली थी, और हर विधानसभा से चलकर ये पदयात्रा ये संदेश लेकर जाएगी कि अपने परिसर को प्लास्टिक से मुक्त करना है।